उत्तराखंड सरकार ने मसूरी के सर जॉर्ज एवरेस्ट से हिमालय दर्शन सेवा शुरू की है। हमारे साथ हैं रिटायर्ड कमांडर मनीष जी। सर ये बताइए कि मसूरी से जो हिमालय दर्शन यात्रा शुरू हुई है तो क्या क्या जो है पर्यटकों को दिखाने वाले हैं? इस हिमालय दर्शन सेवा हिमालयन एयर सफारी के अंदर हम जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी से टेक ऑफ लेकर वी विल गो टूवर्ड्स हम यमुनोत्री, गंगोत्री, बंदरचूड, आपका हर्षिल वैली और जितना भी हिमालय पंचाचुली वगैरह है पूरा कवर करेंगे और उसके अंदर वो जो लोकेशन दिखाएंगे पर्यटकों को जो बहुत दुर्गम है, जिनको देखने के लिए बहुत ज्यादा माउंटेन क्लाइंबिंग की जरूरत पड़ती है और 15-30 मिनट की फ्लाइट में वो लोग वहाँ घूमकर और वापिस आ सकते हैं जॉर्ज एवरेस्ट में। कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ अभी तक पर्यटक नहीं पहुँच पाए, जो पर्यटकों से दूर है, तो क्या ऐसी जगह भी आप उनको दर्शन कराएंगे? जी हाँ, ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर्यटक पहुँच ही नहीं पाया है, उनको पता भी नहीं है ऐसी लोकेशंस है, वो सिर्फ आप एरियल व्यू ले सकते हैं उन लोकेशंस का। तो जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आप देखेंगे कि इन लोकेशंस अनटच्ड है, क्या पता अगर हमारे को परमिशंस मिलती है वहाँ लैंडिंग वगैरह करने की तो पर्यटन पहली बार वहाँ उतरेगा। तो उस पर हम उत्तराखंड पर्यटन विभाग के थ्रू साथ में वर्क कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी के अंडर में प्रोग्राम चला हुआ है और उनका विजन है कि इसको पूरा हाई क्वालिटी पे यूरोपियन और अलास्का लेवल पे हम ले जा सके। तो लेट्स सी, अब आज हम टेक ऑफ ले चुके हैं आपके सामने, बैक टू बैक फ्लाइट्स हो रही हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी कि ये चीज़ हो पा रही है और अभी तक हमें कोई कस्टमर ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि उसे मजा नहीं आया। दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। बहुत सारे बुजुर्ग आते हैं जो हिमालय घूमना चाहते हैं बट अपनी कंडीशंस की वजह से जा ही नहीं पाते, बट बाय एयर नाउ दे कैन गो एंड सी द हिमालय और वापिस आ सकते हैं बिना किसी थकान के, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो आपको लगता है कि हिमालय दर्शन सेवा शुरू करने से मसूरी के टूरिज्म को चार चांद लगेंगे? इट विल गिव डिफरेंट डायमेंशन, ये पूरा दूसरा लेवल पे लेकर जाएगा मसूरी टूरिज्म को, क्योंकि मसूरी में अभी एक्टिविटीज की बहुत कमी है, हमारे पास 2-4 एक्टिविटीज हैं, बट इससे मसूरी के अंदर फुटफॉल बहुत बढ़ेगा, बाहर का क्लाइंट बहुत आएगा यूरोप का। ऑलरेडी मसूरी अपने आप में एक बहुत बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है बट इसे वर्ल्ड मैप पे डिफरेंट लेवल पे दिखाने के लिए हमारे को ऐसी लग्जेरियस अलीट एक्टिविटीज चाहिए। अच्छा, जब हम पर्यटन विभाग के साथ काम कर रहे हैं, कल यहाँ हेलीकॉप्टर पोजीशन रहेगा, कल आसपास कोई दिक्कत होती है, किसी के साथ तबियत खराब होती है तो आपके पास हेलीकॉप्टर है एयर इवैक्यूएशन के लिए भी, तो वो एक दो काम करेगी एक ही मशीन, तो उसमें रेस्क्यू भी हो रहा है, उसके अंदर पर्यटन को घुमाया भी जा रहा है और आपको बहुत जबरदस्त व्यूज भी मिल रहा है। आप देख सकते हैं सारा हिमालय आपके सामने क्लियर दिख रहा है और ये आप मसूरी में बैठ के दूर से देख रहे हो और आप हिमालय के ऊपर उड़ रहे हो। तो जैसे कि मनीष जी ने बताया कि जो ऐसे कई पर्यटक स्थल हैं जो पर्यटकों की पहुंच से अभी तक दूर है, जहां पर्यटक नहीं जा सकता है, वहां के दर्शन भी जो है हेलीकॉप्टर सेवा के माध्यम से लोगों को कराई जाएगी। लेकिन लोगों का एक सवाल ये भी है कि थोड़ा जो है हिमालय दर्शन सेवा उसका थोड़ा टिकट उसका महंगा है, तो क्या इस पे कुछ विचार करेगी कंपनी? इस पे हम ऑलरेडी पर्यटन विभाग के साथ क्लोजली वर्क कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसी रॉयल्टीज हैं यूकाडा द्वारा और रेवेन्यू द्वारा जिनके ऊपर हमने ऑलरेडी पर्यटन विभाग ने लेटर पत्र आगे बढ़ा दिए हैं कि उनको एग्जेम्प्ट करा जाए, क्योंकि ये नॉर्मल चार्टर सर्विस नहीं है, ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नो प्रॉफिट नो लॉस सर्विस अभी शुरू करी गई है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, और अगर जैसे जैसे वो एग्जेम्पशन हटेंगे, फ्यूल चार्ज हटेंगे, तो ये टिकट कॉस्टिंग बहुत डाउन आएगी और हम भी चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा हो चप्पल में उड़ान वाला, कि एक बंदा जो चप्पल पहन के आ रहा है वो भी उड़ान का सपना अपना पूरा कर सके, कि कोई भी पर्यावरण को हम डिस्टर्ब ना करें। हमने ऑलरेडी पायलट के साथ बैठकर पूरे प्रॉपर सर्किट डेवलप कर दिए हैं, जो जो नोटिफाइड जोन है हम उन्हें छेड़ते ही नहीं है, हम उन्हें आउटसाइड से कवर करते हैं। अगर पर्यावरण है तभी यहाँ पे टूरिज्म है, तो पर्यावरण और टूरिज्म को साथ साथ चलाना है और थोड़ा सा हमारे को कॉम्प्रोमाइज करना है, थोड़ा सा फॉरेस्ट हमारे को सपोर्ट कर रहा है, सो फार फॉरेस्ट इज वेरी सपोर्टिव, यूकाडा इज सपोर्टिव, उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड पहले दिन से साथ में खड़ा हुआ है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इज सपोर्टिव और लोकल लोग भी बहुत सपोर्टिव है और उनमें बहुत उत्साह है कि ऐसा कुछ यहाँ से शुरू हो रहा है। जैसा कि आपने मनीष जी से सुना कि उत्तराखंड सरकार का या तमाम जो भी विभाग है उनका उनको पूरा सहयोग मिल रहा है, एक आप देख सकते हैं कि हिमालय दर्शन सेवा के माध्यम से आप उत्तराखंड के सुंदर वादियों का आप जो नजदीक से दीदार कर सकेंगे, जिसमें आपके तमाम सारे ऐसे पर्यटक स्थल हैं जो पर्यटकों से दूर है, जो जहाँ पे पर्यटक है तो ट्रैकिंग के माध्यम से जा सकते हैं ना आप गाड़ी के माध्यम से जा सकते हैं, तो ऐसी जगह को जो है हिमालय दर्शन सेवा के माध्यम से आप जो उनका दर्शन कर सकते हैं। और मसूरी के सर जॉर्ज एवरेस्ट से हिमालय दर्शन सेवा जो शुरू हो चुकी है, तो आपको अगर हिमालय दर्शन सेवा करनी है तो आप चले आइए पहाड़ों की रानी मसूरी, सुनील सिलवाल, उत्तराखंड तक मसूरी।